सबसे समझदार रोबोट। आखिरी रोबोट का गंदा काम देखकर हैरान रह जाओगे। शायद ही कोई ऐसा काम हो जो बिना किसी मशीन की सहायता से पूरा हो सके। जहां पहले हमें कोई काम करने के लिए घंटों लग जाते थे, वही काम आज मशीन की मदद से मिनटों में पूरे हो जाते हैं। अब पीसी या स्मार्टफोन जैसे डिवाइस को ही ले लीजिए। पर्सनल कंप्यूटर से आज हम घर बैठे भी सारे ऑफिस के काम कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन की सहायता से दुनिया के किसी भी कोने में हम बात कर सकते हैं। दोस्तों, मशीनों की बात चल रही है तो जाहिर है इसमें रोबोट भी शामिल होंगे। रोबोट की बात करें तो आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्मर और अक्षय कुमार की रोबोट फिल्म में ही रोबोट को अविश्वसनीय कार्य करते हुए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, अब रियल लाइफ में भी ऐसे रोबोट्स का आविष्कार हो चुका है जिसकी वजह से इंसानों की लाइफ कई गुना आसान बन रही है। ये एक ऐसा दौर है जहां कई कंपनियां इंसानों की जगह रोबोट से काम लेती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रोबोट सिर्फ एक मशीन होते हैं जो इंसानों द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके कार्य करते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे रोबोट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी इंटेलिजेंस देख आप हैरत में पड़ जाओगे। खैर, ये तो एक मशीन है, लेकिन इनका बिहेवियर, इनकी चाल, इनका बोलने का तरीका सब इंसानों की तरह होता है। इन्हें पहचानना तक मुश्किल हो जाता है कि असल में ये रोबोट है या कोई इंसान है। तकनीक में इस विकास ने सेक्स को भी थोड़ा रोचक बना दिया है। इस वजह से ही कई तरह की सेक्स डॉल्स भी बनाई गई हैं जो लोगों को वो सब करने की सुविधा देती हैं जो असल जिंदगी में शायद मुमकिन ना हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन रोबोट्स के बारे में। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसे रोबोट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान जरूर हो जाओगे। सोफिया रोबोट। दोस्तों, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट रोबोट सोफिया को हांगकांग की कंपनी हैंसन रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रोबोट इंसानों की तरह ही बातें कर सकती है और ये किसी इंसान से बातें करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी पहचान लेती है। इतना ही नहीं, ये खुद 62 तरह के एक्सप्रेशंस भी देती है, यानी कि हंसती है, रोती भी है और इसे गुस्सा भी आता है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कई सारे प्रोग्राम्स में स्टेज पे जाके स्पीच तक देती है। इस रोबोट की एक काबिलियत देख सऊदी अरब ने सोफिया को नागरिकता तक दे दी है। जी हाँ, ये दुनिया का पहला रोबोट है जिसे किसी देश ने नागरिकता दी हो। हालांकि सोफिया ने उसे सम्मानित करने के लिए कॉन्फ्रेंस में लोगों से रूबरू होकर शुक्रिया भी कहा और इसकी वजह से सऊदी अरब में महिलाओं को काफी अधिकार प्राप्त हुए जो पहले सिर्फ पुरुषों को मिल रहे थे। इसकी इंटेलिजेंस का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने कई सारे व्यापार जैसे बैंकिंग सेक्टर, प्रॉपर्टी, बीमा और कई अन्य उद्योगों में भी महत्वपूर्ण राय देते हुए अपनी इंटेलिजेंस का परिचय दिया। यही कारण है कि मीडिया ने भी सोफिया की काबिलियत जानने के लिए उसके इंटरव्यूज तक लिए और सोफिया ने भी रिपोर्टर्स द्वारा पूछे गए सवालों के समझदारी से जवाब दिए। असीमो। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत और पावरफुल रोबोट से मिलवाने जा रहे हैं जिसे होंडा कंपनी ने डिजाइन किया है। असीमो नाम के इस रोबोट में कई सारी खूबियां हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस रोबोट को 3 लैंग्वेजेस आती हैं, हालांकि ये हिंदी नहीं बोल सकता, लेकिन ये आपके लिए इंग्लिश, जापानीज और चाइनीज में बात कर सकता है। एक बार इसे इंस्ट्रक्शंस देने पे ये कोई भी कार्य कर सकता है। आप इस 4 फुट 55 किलोग्राम के रोबोट को डांस करने के लिए या आपके साथ खेलने के लिए भी बोल सकते हैं। जापानी सरकार भी इसे लेकर काफी सीरियस रहती है और लगातार इसे और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए काम करती रहती है, जिससे आगे जाकर इसका इस्तेमाल सुरक्षा विभाग के लिए भी किया जा सके। पीपर रोबोट। दोस्तों, यदि आप अपने काम से परेशान हैं या आप अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आपकी सारी खुशियां चली गई हैं, तो एक बार आपको इस रोबोट से जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इसे विशेष रूप से सॉफ्टबैंक कंपनी ने इंसान के इमोशंस को रीड करने के लिए बनाया है। ये क्यूट सा रोबोट आपको तरह तरह की बातें करके और ऊटपटांग हरकतें करके आपका भरपूर मनोरंजन करेगा, साथ ही आपको हंसने के लिए भी मजबूर करेगा, इसलिए इसे हैप्पी रोबोट भी कहा जाता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये रोबोट आउटडेटेड होता जा रहा है, इसलिए दोस्तों, इसे बनाने वाली कंपनी इसमें कई सारे अपडेट्स डालने पे काम कर रही है, जिसके कारण आने वाले समय में हमें इस रोबोट में और भी खास चीजें देखने को मिल सकती हैं। नदीन। मिलिए इस रोबोट से जो इंसानों जैसी दिखने वाली एक रोबोट है। ये रोबोट बिल्कुल अपनी डेवलपर जैसी दिखती है। ये रोबोट न सिर्फ इंटरैक्ट कर सकते हैं, बल्कि आपके साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं और बहुत से वो काम कर सकते हैं जो इंसान करते हैं। ये बिल्कुल लाइफ लाइक लगती है और तो और ये रोबोट पास में मिले हुए लोगों को पहचान भी लेती है और उनसे बातें भी कर लेती है। इस रोबोट के अपने मूड्स और इमोशंस भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक इंसान के होते हैं। किंगोरो। दोस्तों, ये एक ऐसा रोबोट है जो आपके पसीने छोड़ा देगा। 6 फुट लंबा और 56 किलो वजन रखने वाला ये रोबोट एक बार में इतने पुशअप्स लगा सकता है जो एक प्रोफेशनल भी नहीं कर सकता। कैंगरो एक ऐसा रोबोट है।
इसके शरीर की बनावट बिल्कुल इंसानों जैसी ही है। इसमें मौजूद 160 मोटर्स की मदद से ये अपना बैलेंस बनाए रखता है और एडवांस टेक्नोलॉजी और सेंसर की मदद से ये रोबोट बैडमिंटन का भी चैंपियन है। इस रोबोट में 11 मिनट तक नॉनस्टॉप वर्कआउट करने की भी क्षमता है। बास्केटबॉल शूटिंग रोबोट। दोस्तों ये है Q3 रोबोट, जिसे हम प्रोफेशनल बास्केटबॉल शूटर भी कह सकते हैं। इस रोबोट को टोयोटा ने डिजाइन किया है और इसे खासकर बास्केटबॉल शूट करने के लिए बनाया गया है। ये रोबोट खड़े खड़े ही बॉल को बास्केट में डाल सकता है और इसमें लगे सेंसर्स इसे ये पता लगाने में मदद करते हैं कि बास्केट कितनी दूर है और किस एंगल पे है। दोस्तों इस रोबोट ने गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है, जब इसने 1000 थ्रोज किए थे जिसमें से कि सारे थ्रोज बास्केट में ही गए थे। स्पॉट रोबोट। स्पॉट रोबोट को बनाने का श्रेय गूगल को जाता है। इस रोबोट की आकृति एक जानवर की तरह है क्योंकि ये चार पैरों से चलता है और ये अपने दूसरे नाम टॉगी रोबोट से भी फेमस है। इसकी खासियत ये है कि इसके सहारे आप घर के अंदर और बाहर दोनों जगह आसानी से काम करवा सकते हैं और ये रोबोट किसी जंगली जानवर की तरह बहुत ही तेज दौड़ सकता है और इसकी प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से की गई है कि ये अपने सामने की रुकावट को दूर करके अपना रास्ता खुद भी बना सकता है। रोलिंग बोट्स रोबोट्स। दोस्तों ये रोलिंग बोट्स रोबोट कुछ इस तरह का है कि इस रोबोट को घर में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर से दूर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर पे सब ठीक है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये रोबोट आपके बखूबी काम आ सकता है और घर की स्थिति का ब्यौरा आपको देता रहेगा। हार्मनी। ये रोबोट सेक्स रोबोट से बहुत ही ज्यादा एडवांस है। ये अपनी आंखों को झपका सकती है, होठों को हिला सकती है और अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस भी चेंज कर सकती है। इस रोबोट में AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसकी मदद से ये रोबोट खुद बहुत सी चीजें सीख सकती है और ये आपसे बातें कर सकती है और आपके द्वारा कही गई हर बात को ध्यान में रख सकती है और आपकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखती है। ये आपके पार्टनर की तरह हर काम करती है और ये कोई आम रोबोट नहीं बल्कि किसी जीवित इंसान की तरह हर काम करने में कामयाब है। ये अपने पार्टनर के हर एक्शन पर रिएक्ट भी करते हैं। हार्मनी में लगे सेंसर ह्यूमन मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और इसके इमोशंस भी बिल्कुल असली इंसानों की तरह ही हैं। तो दोस्तों इन रोबोट्स में से कौन सा रोबोट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।